ये लो, और अगर पैसे कम पड़े तो फोन कर देना, पैसे तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगी। अरे दिमाग ठीक है तेरा? खैर दवाई दो। दे रही हूँ, सबर कर जाओ। ये लो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये काम इतनी आसानी से हो गया। आपको पता है जब मुझे उस तन्नो की माँ बनने की खबर मिली क्या हालत थी मेरी? ना भूख लगती थी, ना प्यास, ना दिन को चैन, ना रात को आराम, रातों की नींद उड़ गई थी मेरी। अब जाके कुछ राहत, कुछ सुकून मिला है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था ना, देखना ये दवा जरूर रंग लाएगी, लेकिन एक बात का दुख जरूर है, तुमने इतनी महंगी अंगूठी इतनी सी दवा के बदले में दे दी। उस दवा ने जो काम किया उसके लिए वो मामूली सी अंगूठी कुछ भी नहीं। उस काम के लिए मैं बड़ी से बड़ी कीमत चुका सकती थी। ठीक कह रही, लेकिन तुम देख लो उस फरजाना को पैसे हजम नहीं होंगे। खैर चलाओ मेरे साथ, चाय पिलाती हूँ तुम्हें, आ जाओ। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो तुम जीला को कौन सहारा देगा? हिम्मत और हौसले से काम लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि इसमें उसकी कोई बेहतरी हो। इसमें उसकी क्या बेहतरी हो सकती है? ये तो राज की बातें हैं जो वही जानता है। हम इंसान तो बस उसके हर फैसले को उसकी रजा मानकर सब्र कर सकते हैं। हौसले से काम लो। क्या सोचा था? क्या हो गया? कितने खुश थे हम लोग थोड़े ही दिनों में। हाथर के बच्चे की चहचहाट इस घर में गूंजेगी। आंटी प्लीज हौसला करें, आपको पता है ना इस टाइम मातर को आपके सहारे की बहुत जरूरत है, और अगर आप ही हौसला खो देंगी तो आतर को हौसला कौन देगा? लोरिन ठीक कह रही है, हौसले से काम लो। कहां से लो, कहां से लाओ वो हौसला रफी, कहां से लाओ वो दिल? आपने देखा था ना बच्चा कितना खुश था, अब जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। कैसी बातें कर रही हो शूरता, ऐसी मायूसी की बातें न करो। देखो जिंदगी और मौत वो हकीकतें हैं जिन्हें दुनिया का कोई शख्स छुटला नहीं सकता, और हमें हर हाल में अपने रब की रजा के आगे सर झुकाना चाहिए। मैं मानता हूँ जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना है, हमें दुआ करनी है। और अगर हमारे रब ने कर्म कर दिया तो देख लेना बहुत जल्द इस घर में फिर आतिर के बच्चों की चहकार गूंजेगी, वो हमारी गोद में खेलेंगे। मुझे तो लगता है सिर्फ एक ख्वाब है,
ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होगा। उस लड़की की नहुसत खुद अपने बच्चे को खा गई रफी। अब भी आप मुझे तोहम बरस देंगे। कैसे सब खत्म हो गया? इस लड़की को अपने बच्चे की खुशियां रास नहीं है, हमें कल क्या खुशियां देंगी? गुप्ता किसी बातें कर रही है? मैं वो हकीकत बता रही हूँ रफी, जिसे आप बार बार नजर चुराते। जब से उस लड़की के सब्ज कदम इस घर में आए हैं, हर खुशी परेशानी में बदल जाती है। मुसीबत तो परेशानियों ने जैसे डेरा डाल लिया है यहाँ पर। मेरे घर के चिराग को उसकी नहुसत ने जलने से पहले ही बुझा दिया। बस कर दो शोभता, बस कर दो। अगर आतिफ ने सुन लिया तो उसे कितनी तकलीफ होगी। पहले ही वो कितनी अजियत से गुजरता है तुम अच्छी तरह जानती हो। जिस अजियत से मैं गुजर रही, जिस कर्ब, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, उसका कुछ अंदाजा है आपको? आगे का सोच सोच के मेरी जान हलकान हो जा रही है। बस अब इस बारे में मैं एक लफ्ज भी ना सुनूं। और इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना कि तंजीला और आतिर के सामने बिल्कुल इस बात का तذکرہ नहीं होना चाहिए। प्लीज आंटी, प्लीज हौसला करें और बस दुआ करें कि अल्लाह ताला आतिर को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वरना जब तक वो मनहूस तन्नो इस घर में है, आतिर की जान को सिर्फ खतरा है। रंग ढंग बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती। तुम पहले भी मनहूस थी, आज भी हो और हमेशा रहोगे तन्नो की तन्ना। कुछ नहीं बदलने वाला। बेटे की ही मोहब्बत मैंने इसे अपनाया था, ना चाहते हुए इसे इस घर में आने की जगह दी मैंने, जबकि इसकी इसकी नहुसत की वजह से मेरे बेटे पे क्या क्या नहीं गुजरी। मेरे साथ ऐसा, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अभी तो मैंने उसे गोद में भी नहीं लिया था। आपने देखा था, आपके तरह था? बताए। बस कर दो तुम, बस कर दो। संभालो खुद को, मत करो ऐसी बातें। जो हुआ भूल जाओ उसे। तुम उसे जितना याद करोगी, उसकी याद तुम्हें उतनी तकलीफ देगी। पर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। कैसे भूल जाते हैं? औलाद थी वो मेरी, मेरे वजूद का हिस्सा।
जो अब मेरे साथ नहीं है। मेरी गोद उजड़ गई हाथ से, खाली हाथ रह गई। बताएं मुझे क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, बताएं। या अल्लाह, कब तक मुझे अपनी खुशियों अपनी किस्मत के आगे हारना पड़ेगा। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। उस वक्त बुरा हाल हो रहा होगा तंजीला का, बड़ा ऊंचा उड़ रही थी ना हवाओं में। तुम सोच भी नहीं सकती आनिया कि उसको इस हाल में देखकर मैं कितनी खुश हूं। वो बेचारी अपने कमरे में बैठी अपनी गोद उजड़ने का मातम कर रही है, और वो भी अपने गम गुसारों के साथ। मैंने कहा था ना, बच्चा होने में अभी बहुत वक्त है, और इस बीच कुछ भी हो सकता है। मानना पड़ेगा तुमने बहुत कमाल का काम किया है। ऐसा धचका दिया उस तंजीला को कि जिंदगी भर उस गम से नहीं निकल पाएगी। मजा तो तब आता जब उस बच्चे के साथ उस तन्नो का भी खात्मा हो जाता। उसका वक्त भी जल्द आएगा। उस वक्त को आना पड़ेगा, और मैं खुद वो वक्त लेकर आऊंगी। तन्नों के माथे पे सजी आदर की मोहब्बत की लकीर मैं अपने हाथों से मिटाऊंगी। खुदा मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला। नौरीन इंतहाई जज्बाती और बेवकूफी थी। आतिर के बच्चे को ही कत्ल कर दिया, इसके जज्बाती फन से और भी फायदा उठाया जा सकता। लेकिन अभी तुम्हें खामोश रहना है आनिया। अभी तेल देखो और तेल की धार। तुम्हारा मकसद तंजीला की बर्बादी। तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी नौरीन। अगर मुझे पता होता कि तुम अपनी नफरत में इस हद तक जा सकती हो तो मैं शुरू में ही शगुफ्ता को तुम्हारी सारी हकीकत बता देता। मैंने तुम्हें बहू समझ के मौका दिया। मेरा ख्याल था कि तुम सुधर जाओगी, मगर नहीं, तुम जैसे लोग कभी सुधर नहीं सकते। अब देखिए शगुफ्ता खुद तुम्हें धक्के दे के इस घर से निकालेगी। नहीं अंकल, नहीं, आप मेरी बात सुने, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अंकल प्लीज आंटी से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। जो गलती मैं एक बार कर चुका हूँ उसे अब दोहराऊंगा नहीं। तुम्हारा वजूद, इस घर की खुशियां, इस घर का सुकून, सब कुछ निकल चुका है।
तुझे आतिफ की बात उसी वक्त मान लेनी चाहिए थी जब वो तुम्हें तलाक दे रहा था। नहीं अंकल, आतिर मुझे तलाक नहीं दे सकती। बहुत बड़ी गलती होगी उसे, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं भी जाके शगुफ्ता और आतिर को सब कुछ बताता हूँ ताकि मजीद देर ना हो जाए। अंकल मेरी बात सुने, अंकल मेरी बात तो सुने। बेगम साहबा कहाँ हैं? जी वो तो कहीं बाहर गई हैं। और आतिर और तंजीला? आतिर साहब तो तंजीला बीबी को डॉक्टर के पास लेके गए चेकअप के लिए। अच्छा, खत्म कर अभी और इसी वक्त। डॉक्टर साहब खुल के बताएं, बाबा आप कैसे हैं? लेकिन सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। बाबा!